शार्क टैंक सीजन 1 में रणदीप साह और विजय कुमार लेकर आए अपनी हैंडीक्राफ्ट ब्रांड रेयर प्लैनेट, जिसका विजन सुनकर शार्क नमिता हुई इम्प्रेस। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगा। तो हम लोग आज पुणे एयरपोर्ट में हैं। एक तो नमिता माँ का शहर है और हमको पुणे में खोलना ही था, तो आज माँ खुद आ रही है इनॉग्रेशन पे और मैं बहुत खुश हूँ। कुल्हड़ पेंट करते करते स्कूल्स में स्टॉल्स रखते, अभी देखो 32 स्टॉल्स हो गए उनके। शार्क टैंक ने हमें एक नई उड़ान। कोई एयरपोर्ट में हम लोग पहले जाके इंट्रोडक्शन देना चाहते थे, आज उसी एयरपोर्ट में हमको कॉल आता है दैट आप हमारा एयरपोर्ट में क्यों नहीं खोल सकते। हम लोग महीने का कुछ 75 लाख कर रहे थे, आज के रेट पे हम लोग 3.5 से 4 करोड़ के बीच में हम लोग कर रहे हैं। कांधे पे सूरज टिका के चला तू। दिस इज टॉट कॉमन मैन कॉमन वुमन ऑफ इंडिया टू ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। शार्क टैंक से पहले हमारे साथ कुल 4.5 से 5 हजार कारीगर थे, आज हमारे साथ करीबन 15 हजार कारीगर काम कर रहे हैं। जब से हम लोग अपना आर्टिसंस के साथ में जुड़े हैं, उनको 12 महीने का हम लोग काम देते हैं। पहले बनाते थे महीना का 10 हजार, अभी महीना का 40 से 50 हजार बना के देते हैं। आज वो 15 हजार कारीगर जिनके लाइफ में हम वो इम्पैक्ट ला पाए हैं, वो सक्सेसफुल बने हैं। और हमें सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है, ये 15 हजार को 1.5 लाख बनाना है, जब हम 1.5 लाख कारीगरों का जीवन को संवर सकें। रणदीप में सभी वो खूबियां हैं जो मैं एक फाउंडर में ढूंढती हूँ। 6 से 7 महीने में सेल्स, स्टोर्स, नंबर ऑफ कारीगर्स इंपैक्टेड, सब में उन्होंने इतना बड़ा इंपैक्ट दिखाया है। आई फील वेरी प्राउड।